304 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम समझने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने प्राइम फैक्टर करने वाले। ये एक से लेकर 10 तक की आपकी अभाज्य संख्या, आगे बात करें 11 13 17 19 23 29 ये आगे की अभाज्य संख्या जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। सर्वप्रथम दोस्तों इसमें हम अपना 2 का डिवाइड करते हैं। किसी भी संख्या को देखते ही कैसे बताएं कि उसमें हम 2 का डिवाइड करें या नहीं करें, यानी 2 का डिवाइड होगा या नहीं होगा। उस संख्या का इकाई अंक देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वह संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। इसका इकाई अंक देखिए कितना, 4, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी आपका 2 से डिविजिबल है। इसमें हमने 2 का डिवाइड कर दिया, ऐसे साइड में लिख के आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार डिवाइड होगा वो दोस्तों आपको इसके यहाँ नीचे लिखना है। चलिए मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, एक बार हो गया, एक बार, 5 बार, 2 बार, फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना, 5 बार, और 7 बार, 6 बार, फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना, 2 बार, और 8 बार, 8 बार, फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है 1 बार, 4 बार, 4 बार, फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना, 7 बार, 2 बार, फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना, 36 बार, 36 में 2 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं 18 बार, 18 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 9 बार, 9 में आगे 3 का डिवाइड हो रहा है कितना, 3 बार, 3 में 3 का डिवाइड आपका 1 बार, ओके। ये आगे दोस्तों इसके प्राइम फैक्टर जो कि हमें चाहिए थे यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए। 2 समान संख्या को 7 लो, उसमें से 1 बार यहाँ लिख दो, 2 समान संख्या को 7 लो, 1 बार यहाँ लिख दो, ठीक है, ओके। 2 को इस 2 के साथ लिया, 1 बार यहाँ लिख दिया, 3 को 3 के साथ लिया, 1 बार यहाँ लिख दिया। इन सब का क्या करना है, गुणा करना है, कितना आ गया आपका 48, ये इसका क्या है, स्क्वायर रूट का वैल्यू है।